इस वक्त एक बड़ी अहम खबर यह है कि यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी जा रही है, और ये धमकी किसी ऐरे गैरे को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। सीएम को बम से उड़ाने का मैसेज मिला है, व्हाट्सएप नंबर पर सीएम को ये धमकी दी गई है। यूपी में 50 इलाकों में धमाके की धमकी दी गई, यानी यूपी के 50 इलाकों में ये लोग धमाके करेंगे, ऐसी धमकी दी गई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालिदास की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, जैसा कि आप भारत समाचार पर देख भी पा रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और केस भी दर्ज किया है, क्योंकि 5 कालिदास का थाना गौतमपल्ली लगता है, तो गौतमपल्ली थाने की पुलिस ने यह केस दर्ज कर लिया है और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को इसमें लगा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। डायल 112 पे अज्ञात फोन आया है, उस फोन पे मुख्यमंत्री जो आवास है उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा 50 और ऐसे स्थान है जहां पे एक साथ जो है बम धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें डायल 112 का जो दफ्तर है वो भी शामिल है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी महाराष्ट्र और पुणे से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने 112 पे बाकायदा मैसेज भेज करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। अब पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, जो डॉग स्क्वाड की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रही हैं, खुद कमिश्नर जो तमाम अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हुए हैं, और इसके अलावा जो आसपास के जितने भी वीआईपी मोमेंट हैं यानी जो चौराहे हैं वहाँ पर व्यापक चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा जो है ये मैसेज आया है, उसके बाद जो है जो जांच अधिकारी हैं वो पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि जिसने डायल 112 पे फ़ोन करके ये धमकी दी है वो कौन लोग हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, लेकिन जिस